वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, थंबनेल में आप सभी लोगों ने देख लिया होगा अभ्यास 25 का डिक्टेशन। आज आप सभी लोगों का 25 और 26 का डिक्टेशन दोनों कंबाइंड दिया जाएगा। गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। दहेज एक और सामाजिक बुराई है जो भारतीय समाज को एक बीमारी की तरह प्रभावित कर रही है और इसके लिए कोई समाधान या इलाज दिखाई नहीं दे रहा है। विराम। वास्तव में अल्पविराम दहेज हिंसा का एक प्रकार है जो औरतों के खिलाफ किया जाता है। विराम। यह वह विशेष अपराध है जो केवल विवाहित महिलाओं के खिलाफ किया जाता है। विराम। पैरा। साधारण शब्दों में दहेज अल्पविराम लड़की की शादी अपने बेटे से कराने के बदले दुल्हन के परिवार वालों से दूल्हे के परिवार द्वारा रुपयों या कीमती वस्तुओं की मांग के रूप में समझा जा सकता है। विराम। जिसका अर्थ दूल्हे के परिवार द्वारा दूल्हे के लिए मांगा गया मुआवजा या मूल्य से है। विराम। सभी संभावनाओं में दहेज प्रथा भारतीय समाज में विशेष रूप से केवल महिलाओं का शोषण है। विराम। हमारे देश में प्रचलित लिंग असमानता का एक और आयाम दहेज है। विराम। पैरा। संक्षेप में अल्पविराम ये प्रथा इस उपधारणा पर आधारित है कि पुरुष सर्वश्रेष्ठ हैं और अपनी ससुराल में लड़की को अपने संरक्षण के लिए रुपयों या संपत्ति की निश्चित मात्रा अपने साथ अवश्य लानी चाहिए। विराम। पैरा। दहेज प्रथा हमारे सामूहिक विवेक का अहम हिस्सा बन गई है और पूरे समाज के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। विराम। एक तरह से यह रिवाज समाज के लिए एक नियम बन गया है जिसका सभी के द्वारा अनुसरण होता है। विराम। स्थिति यह है कि यदि कोई दहेज नहीं लेता है तो लोग उससे सवाल करना शुरू कर देते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। विराम। पैरा। दूल्हे की अधिक आय या दूल्हे के परिवार का अधिक ऊंचे स्तर के कारण दहेज की अधिक मांग की जाती है। विराम। इसमें जाति भी अपनी भूमिका निभाती है। आमतौर पर अल्पविराम उच्च जाति अल्पविराम उच्च दहेज की अवधारणा है। विराम। लेकिन हाल के दिनों में अल्पविराम दहेज प्रणाली एक व्यापक शोषण की व्यवस्था बन गई है और केवल दूल्हे के परिवार की आर्थिक स्थिति ही दहेज की मांग का निर्णायक कारक होती है। विराम। पैरा। इस सामाजिक बुराई की उत्पत्ति का पता शादी में दुल्हन को दिए जाने वाले उपहारों की रिवाज या परंपरा से लगाया जा सकता है और उपहार देने की ये स्वैच्छिक प्रणाली थी जो हमारे धार्मिक विश्वासों की मान्यता रखती थी कि लड़की के पिता का कर्तव्य है कि उसे लड़की की शादी में अपनी संपत्ति का एक भाग अपनी बेटी को देना है क्योंकि शादी के बाद उसे दूसरे घर जाना पड़ेगा और बेटा अपने पिता की बची हुई संपत्ति प्राप्त करेगा। विराम। इसलिए अपनी आय या संपत्ति का एक भाग अपनी बेटी को उपहार के रूप में देना एक पिता का नैतिक कर्तव्य माना जाता था। विराम। पैरा। रामचंद्र गुहा और अन्य लेखकों को
विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर वामपंथी विचारक और समर्थक सरकार को गिरा रहे हैं। विराम। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो जारी हुए हैं जिनमें नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रुख अख्तियार करते हुए पुलिसकर्मियों पर खूनी हमले किए हैं। विराम। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। विराम। लेकिन किसी वामपंथी और जनवादी लेखक ने इस तरह के हिंसक कृत्यों की कोई निंदा नहीं की है। विराम। सवाल उठता है कि क्या देश का वाममार्गी बौद्धिक वर्ग आज सत्ताच्युत होते ही भारत के विरुद्ध खड़ा हो गया है। विराम। जनवाद की आड़ में आज भारत के राष्ट्रीय विचार से इस दर्जे तक खिलवाड़ किया जा रहा है। विराम। नागरिकता संशोधन कानून से भारत के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों में से किसी एक को भी किसी प्रकार का कानूनी संकट नहीं आने वाला है। विराम। यह वैधानिक रूप से तथ्य है और देश के प्रधानमंत्री अल्पविराम गृहमंत्री संसद से लेकर हर लोक मंच पर स्पष्ट कर चुके हैं। विराम। इसके बावजूद भारत की जनता खासकर मुस्लिम भाइयों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। उन्हें उसी छदम बौद्धिक नज़रिए से भयादोहित किया जा रहा है। विराम। जिसके जरिए 70 सालों से अल्पसंख्यकवाद की राजनीतिक दुकान को चलाया गया है। हिटलर और नाजिज्म के उदय की डरावनी दलीलें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बौद्धिक रूप से असली नाजिज्म का अवलंबन तो भारत के वाममार्गी कर रहे हैं। विराम। एक कपोल काल्पनिक झूठ को लोक जीवन में न्यस्त राजनीतिक स्वार्थों के लिए खड़ा कर दिया गया है। विराम। पैरा जो NRC अभी प्रस्तावित ही नहीं है उसका पूरा खाका बनाकर पेश कर दिया है। इतिहास की भारत विरोधी ऋचाएं गढ़ने वाले ये बुद्धिजीवी असल में अपने असली चरित्र पर आ गए हैं। उनकी अपनी नाजिज्म मानसिकता आज सबके सामने आ गई है जो किसी भी सूरत में दक्षिणपंथी या अन्य विचार को स्वीकार नहीं करती हैं। इसके लिए वह झूठ अल्पविराम हिंसा सबको जायज मानती है। विराम। बहुलतावाद के यह वकील सच मायनों में नाजिज्म के अलमबरदार हैं। अल्पविराम इन्हें भारत की संसदीय व्यवस्था तक में भरोसा नहीं है। वे इस बात को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारत की जनता ने एक विहित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री चुना है। विराम। वह आज भी मानने को तैयार नहीं है कि उनकी भारत विरोधी और अल्पसंख्यकवादी राजनीतिक दलीलों को नया भारत खारिज कर चुका है। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आप सभी लोगों का अभ्यास नंबर 25 और 26 का डिक्टेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर कर दिया करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट सॉल्व। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।